अभी की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, बिग बॉस 17 के टॉप 3 खिलाड़ी हमें मिल चुके हैं और उसी के साथ दो खिलाड़ी को बिग बॉस ने आउट कर दिया। जैसा कि आप सभी को बताऊं कि टॉप 5 के लिए पब्लिक ने आउट की थी, जहां पे मुनर फारूकी, अंकिता, अभिषेक कुमार, अरुण और मनारा चोपड़ा। ऐसे में आप सुधा दूं, अब इसमें से दो आउट हो चुके, इविक हो चुके, लेकिन टॉप 3 खिलाड़ी हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहले कौन इविक हुआ, जो 5 नंबर पर था, वो तो आप सभी को मैंने हर एक लेटेस्ट शूटिंग ट्रेन के अंदर बताया था, यानी कि अरुण भाई 5 नंबर पर थे, जो कि आउट हो चुके, मतलब बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं। और आप सबको बता दूं, 4 नंबर पे आउट हुआ, आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आ सकता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि ये लेटेस्ट शूटिंग के ट्रेन के अंदर 3 नंबर पे चल रही थी, लेकिन इन्हें अभी 4 नंबर पे बताया गया, आउट कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे के बारे में ऐसी खबर निकल कर आ रही कि अंकिता लोखंडे इविक हो चुकी है और टॉप 3 के अंदर मुनर फारूकी, अभिषेक और मनारा चोपड़ा जा चुकी है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर कल बताया, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको बताऊंगा, मैंने आपसे बताया कि बिग बॉस के मेकर चाह रहे हैं कि मनारा चोपड़ा टॉप 3 के अंदर रहे, और वही होते हुए नजर आ रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, अंकिता लोखंडे और अरुण भाई इविक हो चुके हैं और टॉप 3 के अंदर मुनर फारूकी, अभिषेक और मनारा चोपड़ा आ चुकी है। तो ऐसे में अब देखना है कि बिग बॉस का विनर कौन बन सकता है, लेकिन मेकर ने जो वादा किया था मनारा चोपड़ा से, वो निभा रहे। अब ऐसा ना हो कि ट्रॉफी भी हाथ में दे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसी पर आपका क्या बोलना, मुझे कमेंट करके बताइए ट्रॉफी कौन जीतने वाला, और जो हुआ अंकिता के साथ सही हुआ गलत हुआ ये भी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि टॉप 3 कौन कौन आ चुके। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।